अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, जुबिस किचन में फिर से एक रेसिपी देखने के लिए आपका वेलकम। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ पपाया लड्डू यानी पपीता के लड्डू। यकीन मानिए, यह लड्डू इतना लाजवाब बना है, जब आप बनाओगे तब खुद पता चलेगा आपको। मज़ेदार लड्डू को मैंने कैसे बनाया देख लेंगे। स्टार्ट करते हैं। पपीता को हमने छील लिया और इसका क्यूब में कट कर लिया और इसका पेस्ट बना लेंगे। अब पैन में 2 टेबलस्पून घी ऐड करेंगे। घी गर्म होते ही इस पपीता का पल्प हम इसमें डाल देंगे। हमने यहाँ पपीता एकदम मीठा और गहरा रंग का लिया है, तो आप भी कोशिश करें इस रंग का लेने का। ज़्यादा गहरा रंग हो तो ज़्यादा बेटर है। पपीता को फ्राई कर लेंगे, लो टू मीडियम हीट पे इसको फ्राई कर लेंगे और इसके लिए 20 से 25 मिनट हमें टाइम लगा, तो कुछ देर ढकेंगे फिर से फ्राई करेंगे। और इसके लिए नॉन स्टिक का पैन लीजिएगा तो ज़्यादा बेटर है। जब इसका पानी सूख जाए, बिल्कुल भी ड्राई हो जाए, तब हम इसमें डेसिकेटेड कोकोनट ऐड करेंगे। ये डेसिकेटेड कोकोनट मैंने घर में ही बनाया। पहले इस फ्रेश कोकोनट को हमने ग्रेट कर लिया, इसके बाद हमने ओवन में ड्राई करने के बाद इसको मिक्सर ग्राइंडर में एक बार चला लिया, तो थोड़ा सा फाइन पाउडर जैसा हो गया। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 कप कोकोनट हमने लिया, तो इसमें आप सूजी भी ऐड कर सकते हो, लेकिन उसका टेस्ट अलग हो जाएगा, तो हमने कोकोनट से ही सिर्फ बनाया। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और यहाँ हमने फ्लेम बिल्कुल भी ऑफ रखा है, नहीं तो ये जल सकता है। इस चैनल में तरबूज का भी लड्डू अपलोडेड है, उसको भी चेक कर सकते हो, वो भी बहुत बढ़िया बना है। अब हम इसमें 1/4 कप चीनी ऐड करेंगे, क्योंकि पपीता हमारा मीठा ज़्यादा था तो चीनी कम लग रहा है। इसके बाद हम इसमें 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर ऐड करेंगे। चूल्हा को ऑन करेंगे और एकदम लो हीट में रखेंगे और इसको ढक के रखेंगे ताकि चीनी जल्दी मेल्ट हो जाए। चीनी जब तक ना मेल्ट हो जाए तब तक हम इसको चलाते रहेंगे कंटिन्यू। तो अब ये बन चुका है, चीनी भी मेल्ट हो चुका है, हम निकाल लेंगे प्लेट में और पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। मिक्सचर यार ठंडा हो चुका है, लड्डू बना लेंगे अब, यानी गोल शेप दे देंगे इसको। जिस साइज़ का लड्डू बनाना है उतना ले लेंगे मिक्सचर और इस तरह से हाथों से प्रेस करके गोल बनाएंगे, ताकि बाद में लड्डू फटे नहीं। बनने के बाद देखिए इसका कलर कितना चेंज हो गया। लड्डू बनने के बाद इसके टॉप में थोड़ा सा डेसिकेटेड कोकोनट ऑयल लगाएंगे और कटा हुआ पिस्ता से हम गार्निश कर देंगे इसको। अगर आप स्वीट लवर हो तो ज़रूर से बनाना चाहिए इस यूनिक से लड्डू को। तो आपके साथ फिर से मैं मिलती हूँ और एक इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।